नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार तुर्किया वशिकनयंत्रा.com की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है। अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर की दुनिया में घुमाकर लाना ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, एक ऐसी यात्रा जो आपकी आत्मा को रिफ्रेश कर देगी। आप कहीं भी जा सकते हो, जहां की आप कल्पना कर सकते हो या फिर जिसके बारे में आप सोच सकते हो, वहां पर आप जा सकते हो। ये एक ऐसा सफर है जिसमें अगर आप एक बार निकल गए तो उसके बाद आप वापस मुड़ने का नाम नहीं लेंगे। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो कि आपकी सोच ही बदल देगी इस दुनिया के बारे में। अक्सर मैंने देखा है, काफी सारे साधक मेरे पास आते हैं, गुरुजी दिव्य दृष्टि का मंत्र बता दो, कैसे होगी, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं होते। होते भी हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि ये सारा कुछ करते कैसे हैं। अब जितनी भी साधनाएं हैं उनमें होता क्या है कि हमें चूज करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। पहले अपनी मंजिल तो डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। मैं आपको बता दूं, जो गृहस्थ जीवन में है वो अपने घर में ही रहे, वो इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। नौकरी करें, बिल पे करें और सो जाएं, खाना खा के सो जाएं, फिर सुबह उठ जाएं, यही काम है। लेकिन जो एक साधक है, जो भी साधक बनना चाहे, उसको शून्य होना पड़ेगा सबसे पहले। जितना भी आज तक आपने अपने स्कूल में, अपनी किताबों में किसी से सुना हो या फिर जो भी ज्ञान आपने आज तक बटोरा है, उसको शून्य कर दीजिए। उसके बाद मेरे पास आइए, मैं आपको उस जगह लेकर जाऊंगा जहां पर आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी। शनै शनै परिवर्तन तो होता ही रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ भी आपके पास हो, कितने भी अमीर आप क्यों ना हो, फिर भी एक खलिश सी रहती है कि कुछ है कमी अब तक, मतलब कुछ कमी सी है। तो वो कमी यही होती है, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान की कमी है। इसलिए वो खलिश से हमें बार बार चुभती रहती है कि कुछ तो है, कुछ कमी सी है। तो जब आप ये ज्ञान आपके पास आ जाएगा, उसके बाद कैसे बताऊं, आप ऐसा लगेगा कि दूसरी दुनिया में आ गए हो। आप ये दुनिया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है, ये कुछ भी नहीं है। तो जो भी इच्छुक हैं इस साधना के, जो चाहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है उसको हम अध्यात्म में लगाएं और उस रास्ते पे जाएं जहां परमेश्वर जो बैठे हुए हैं हमारी राह देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दो रास्ते होते हैं। पहला होता है गृहस्थ जीवन का, और जो भी हमारा ये जो संसार आप देखते हो आंखों से, ये वाला। तो कई मेरे पास आते हैं इच्छुक की, वो सोचते हैं कि हम यहां से शक्तियां लेके वहां पर लगा दें। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए शून्य होना पड़ता है पहले। बिल्कुल आप थोड़ी बहुत शक्तियां तो अर्जित कर सकते हो, जैसे किसी को देखना, बैठे बैठे आप बता दोगे कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, तो ये तो बहुत ही कम है। मैं आप बात कर रहा हूं आपको उस जगह ले जाने की जहां पर कि आप स्वयं परमेश्वर बन जाएं। जी, तो साधना के मार्ग में अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं कहता हूं कि शून्य बनना है, उस समय जो साधक है वो अपना उत्साह जो बिल्कुल खो देते हैं कि मैं अपने परिवार जनों को कैसे भूलूं और इन्हीं के लिए तो मैं ये कर रहा हूं, तो मैं कैसे, मतलब वो असमंजस में आ जाते हैं और कर नहीं पाते कुछ भी। तो पहले अपना मन बनाइए कि आपको किस रास्ते में जाना है, अपने परिवार के साथ या फिर उस रास्ते में जहां पर आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं, अकेले ही आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो कदम है वो है अपने मानसिकता को सही करना कि इस राह में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। ये तो वो वाली राह है जहां पर कि तलवार की धार पर आपको चलना है, कोई मजा नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है,
लेकिन इसमें जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही भगवान ने मुझ पर कृपा कर रखी है, तो आप बहुत गलत हैं। आपको कृपा का मतलब ही नहीं पता कि कृपा होती क्या है। असल में जो परमानंद होता है वो क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक बार आप पहुंच गए तो दुनिया का हर एक स्वाद आपको फीका लगेगा। तो मैं उसी स्वाद की बात कर रहा हूं कि आप उस तरफ अपना रुख करें जहां पर कि उसके बाद कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा ही ना रहे आपके पास। तो साधना काल में सबसे पहला जो नियम है वो है अपने आप को शून्य करना। मन बनाएं कि दुनिया से मेरा कोई मोह माया से मुझे कुछ नहीं लेना, बिल्कुल शून्य होकर साधना करें तो आपको जल्दी इसका फल मिलेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला था अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे भ्रमण करा के लाएं इस पूरी दुनिया में, जहां पर भी आप चाहें। जैसे बिजली का बटन दबाते हैं तो एकदम से लट्टू ऑन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप चाहते हैं किसी को देखना बैठे बैठे तो कैसे देखें उसको? जैसे आप सपने देखते हैं, उस समय आपका जो शरीर है, जो आपकी आत्मा है, वो भ्रमण पर गई होती है, और उसके साथ एक छोटा सा धागा होता है, बिल्कुल ही महीन सा, वो उसके साथ 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 चलता है। चाहे वो कितना भी घूम जाए, कितना भी उलझ जाए, लेकिन वो वापस एक सेकंड में आपके पास आ जाएगा अगर वो धागा यहाँ उससे कनेक्टेड है तो। जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो वो हम पाते हैं कि हमारी चेतना हमारे पास है। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस ध्यान की स्थिति में जाएं जहां पर कि आप अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर उसे भ्रमण करा सकें। चलिए तो मैं आपको उसकी प्रोसेस की विधि बताऊं। देखिए, सबसे पहले तो नहा धोकर अपने बेड पर ही या फिर कहीं पर भी एक ऐसी जगह जहां पर कि कोई डिस्टर्ब ना कर सके आपको, या फिर रात को ही लगा लीजिए जब आप सोएं तो आपके आसपास कोई ना हो, एकदम हवादार कमरा हो और ऐसी कोई भी चीज ना हो जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके इस ध्यान के प्रोसेस में। शवासन पे लेट जाएं अपने बेड पे ही। अब मैं बेड ले रहा हूं यहां पर। उसके बाद सोचिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए कि आप जा रहे हैं किसी ऐसी जगह जहां पर कि गेहूं के बालियां हैं गोल्डन कलर में, एक पीला प्रकाश है वहां पर, और आप सिर्फ अकेले हैं और आप जा रहे हैं। किसी के पास जा सकते हैं, मान लीजिए आप भगवान को ही देखना चाहते हैं, मातेश्वर की खोज में आप निकल पड़े हैं, और वो प्रकाश बहुत ही गोल्डन सा प्रकाश है चारों तरफ फैला हुआ, और आप अकेले जा रहे हैं बालियों में हाथ लगाते हुए, आप उड़ रहे हैं। जैसा आप चाहो वैसा कीजिए। ये साधनाएं करनी होती हैं आपको सोते हुए या फिर कभी भी कर सकते हो इसको, लेकिन याद रहे कि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपका जब शरीर बाहर निकलेगा तो एक छोटी सी भी आवाज उसको वापस आपके पास ले आएगी। तो कोई भी शोरगुल ना हो, एक एकांत स्थान पर जाकर ये करें। आपको ये करना है 1 महीना, 3 महीना, 50 महीने, कितने महीने, जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि आप बाहर निकल रहे हैं। और एक खास बात, इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। जी, कई बार मैंने देखा है कि जो साधक है वो भूल जाता है रास्ता कि उसको वापस कैसे आना है, और वो जो स्ट्रिंग जो उसके साथ अटैच होती है, छोटी सी पतली सी महीन, वो टूट जाती है जब वो ज़्यादा ही दूर निकल जाता है तो। और यहाँ पर आपका शरीर जो है वो बिना चेतना के पड़ा रहता है जैसे कोई लाश हो। इतना भी दूर ना निकल जाए कि वापिस आना ही मुश्किल हो। सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी दूर पर ही जाएं अपने घर से, जैसे यूं समझिए कि आप खुद ही जा रहे हैं, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर वहां पर जा रहा है। सिर्फ आपको ध्यान लगाना है वहां पर कि आप जा रहे हो। प्रतिदिन ये कीजिए, प्रतिदिन जो साधना होती है उसमें जरूर आपको फल मिलता है। तो दूसरी बात ये कि जो दूसरी दुनिया है, आप उस वक्त दूसरी दुनिया में होते हो, वहां पर जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी वो सारी इस दुनिया की नहीं होंगी। भूत, प्रेत, पिशाच, आपके रिश्तेदार, जो भी मतलब अब उस दुनिया में है, वो आपको सारे दिखेंगे, आप किसी को भी देख सकते हो। और मोस्टली होता यह है कि हमारी जो
आत्मा होती है उसको वहां पर जो है बहुत खतरा होता है। हमें चाहिए कि जैसे ही कुछ ऐसी आभास हो भागकर अंदर आ जाना चाहिए अपनी अपने शरीर के, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब इसको यूं समझिए कि ग्लास है। अब इस ग्लास में से जो पानी है वो है आपकी आत्मा और जो ग्लास है वो है आपका शरीर। तो जब आप ये साधना करते हो तो वो पानी निकलकर बाहर चला जाता है। अब आपका जो ग्लास बच गया ये सिर्फ कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी आत्मा आ सकती है। मैं आपको अपने मामा की बात बताता हूँ। वो बहुत बड़े साधक थे, खैर अब तो वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे ही वो रातों को जो है अपना शरीर बाहर निकाल कर घूमा करते थे। एक बार क्या हुआ कि 3 दिन तक वो उठे ही नहीं, काफ़ी दूर निकल गए थे वो। तो जब उनको शमशान में लेकर गए जलाने के लिए, वहाँ पर उनकी आत्मा वापस आई। फिर उन्होंने वो सब समझाया तो मैंने सीखा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने बताया कि वो कहीं फंस गए थे। ये है हमारी हरियाणा की बात है, हरियाणा में भिवानी के पास कोई गांव है, मुझे गांव का नाम तो नहीं पता क्योंकि मैं 20-25 साल में एक बार जाता हूँ वहाँ पर। खैर जो भी है, तो ऐसे ऐसे साधक हैं वहाँ पर मेरे गांव में कि अध्यात्म से इतना आगे निकल गए हैं कि कुछ कहो मत, मतलब सब कुछ है उनके पास, सब जानते हैं वो। अभी वो रहे ही नहीं, वरना तो मुझे और भी ज्ञान मिल जाता। तो बस आपको करना ये है कि अपने आप को इस जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उनको मार दीजिए, क्योंकि जब इच्छाएं नहीं रहेंगी तो आप शून्य की तरफ बढ़ जाएंगे। और फिर सिर्फ आपको ध्यान लगाना है और बाहर निकलना अपने शरीर से। आपको पता नहीं लगा कि आप बाहर निकल गए, आपको सपना सा लगेगा। उस सपने को कंट्रोल करना है आपको और पूरा घूमना है जहां जहां आप घूमना चाहें। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहले आप अभी बिल्कुल अभी अभी आपने शुरू किया है तो बस आसपास ही घूमें, ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि ये जितना आपको रोमांचक लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन एक बार आप सीख गए इसको, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, इस जैसी चीज़ नहीं है आपको इस दुनिया में, ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जहां जिसको देखना चाहे उसको देख सकते हैं। आप जैसे अभी अभी तो आप सोकर कर रहे हो, लेकिन उसको फिर जागते हुए आप कर सकते हो। बस बैठिए और निकालिए अपने शरीर को, जैसे कि बाइक पे बैठते हैं वैसे ही घूम के आओ। बस आपको करना क्या है, बस आंखें बंद करनी और घूमने निकल पड़े जी। इतना मतलब इस जैसी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास ये शक्तियाँ आ जाती हैं तो फिर दुनिया आपके कदमों में है, और ये इतना आसान नहीं है और ये काफ़ी खतरनाक है। तो पहले गुरु बनाए अपना, खुद अपने आप को ही गुरु बनाइए अपना और शुरू कीजिए। अपनी फ़ोटो अपने सामने रखिए और उनसे मांगिए कि हे गुरुवर, मुझे इस साधना में जो है सक्सेसफुल करें, और फिर निकलिए इस राह पर और फिर देखिए कैसे आप 2-3 महीने में ये सीख जाएंगे कि अपने शरीर को बाहर कैसे निकालते हैं, उस दूसरी दुनिया में कैसे प्रवेश करते हैं। और वो दुनिया इतनी खूबसूरत है कि कैसे बताऊं, जैसे आप एक बार निकल के देखिए तभी उसका जो है वर्णन हो पाएगा, वरना मैं ऐसे शब्दों में उसको आंख नहीं सकता कि वो कैसी है। एक बार आपने उस जगह पर जाकर देखा तो उसके बाद आप कहोगे कि मुझे उसी दुनिया में रहना है, उसी दुनिया में रहना है जी। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए या फिर कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625, और मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं जिस दुनिया में आज तक कोई गया भी ना हो। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और इसका अगर कोर्स करना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।